गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? देखिए मैं खाना बना रही हूँ और मेरी तबीयत बहुत खराब है। दूध गर्म कर रही हूँ, फ्रिज में दूध रखा हुआ था लेकिन फ्रिज बंद थी। अब देखो पता नहीं फटेगा कि बचेगा। चावल पक रहा है, दाल अभी पकी नहीं है, थोड़ा सा सीटी देने वाले थे वही डाल दिया, नहीं तो दाल सब निकल जाने का है। थोड़ी ठंडी रखेंगे। हमें क्या खा रहा था तू? मैं सब्जी खा रहा था। जैसे भूख लगी थी तो रात की सब्जी बची थी वही खा रहा था। अभी चाय बना रहा है, रुक जाओ। चाय के साथ क्या खाओगे? लाई। तो लाई निकाल डालो। अभी चाय बनाते हैं। आटा चाले, पराठा बना दे क्या? हाँ पराठा बना दो। पराठा बना दे, चाय पराठा खा लो। नहीं मम्मी। खाओ। केक ले जाओ ना, स्कूल ले जाओ, तीनों लोग ले जाओ। और यही खा के जाओ, स्कूल में क्यों लेकर जाना? अरे दोस्त लोग है ना। दोस्त लोग के लिए मेरा बर्थडे नहीं था, मेरा बर्थडे सिर्फ मेरे बच्चों के लिए था। ओके नहीं कर सकते भाई, हमें इमोशनल अत्याचार बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इमोशनल इमोशनल कुछ नहीं, वो आपके दोस्त हैं मेरे नहीं, अंडरस्टैंड। बाकी सब अधातुर लोग मेरे कहाँ हैं? अंशु आ रहे? अंशु चलो निकलो बाहर, तुम बहुत गाना गाते हो। जहिया रूसी तहिया। देखिए आज धूप हो गई है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सवेरे सवेरे धूप निकल गई, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है धीरे धीरे, बस इसी तरह भगवान धूप करने लगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है यार, ठंड बहुत लगती है ना। ये देखो आलोक आ गया सब्जी लेकर। आलोक सब्जी का ला रहे, आलोक के फूफा भी आ गए पर्दे के पीछे। शूज निकालना है। क्या लाए सब्जी में? बैगन। और बैगन तो जरूरी रहा ना तो के? मटर लाए हैं, टमाटर लाए हैं, मिर्ची लाए हैं। अच्छा हमारा नींबू लाए हैं। हमारा नींबू? हाँ। कुछ तो तुम लोग कैसे पापा के साथ आए भाई? अच्छा सही है। आप मेरे लिए क्या लाए हैं? गर्मा गर्म जलेबी। तो जूते में क्या ढूंढ रहे हैं? चप्पल। जूते में चप्पल ढूंढ रहे हैं, तो ब्रश करना पड़ेगा ना। ब्रश कर लीजिए, जलेबी खाइए। ब्रश करके जलेबी खाते हैं फ्रेंड, और वो गए बाथरूम में। और आप बने रहिए मेरी वीडियो में, कंटिन्यू खिलाते हैं आप लोगों को आज जलेबी। ये देखिए इसमें आई है सब्जी और चावल मेरा गिरने वाला है। देख रहे हैं इतनी लापरवाह है। इसमें है सब्जी, सब्जी और पहले मैं जलेबी निकाल लूँ। देखिए जलेबी, या हाँ जलेबी दिख गई। देखिए झूठ नहीं बोलती मैं, जो है सब सच बता देती हूँ। ये जलेबी तो मैं ब्रश कर लूँ फटाफट, आप बने रहिए। के मम्मी ब्रश कर रही हैं। जलेबी देख के मुझे रहा नहीं जाता। जलेबी देख के रहा नहीं जाता। देखिए मैंने दूध जलेबी इसमें भिगा लिया है। देखिए दूध और जलेबी है ये, अभी मैं खाऊंगी तो कुछ तो गिर गया यार, किसी की टांग गिर गई। देखिए मच्छर की टांग गिर गई। देखिए खाने पीने भी नहीं देते मुझे, मस्त मच्छर लोग। आटा गूंदने मैं बैठ गई।
कई दिन बाद खाना बना रही हूँ। रोज रोज मम्मी पापा ही बना रहे हैं। देखिए कैसे थाली करके रखी है आपने, वाली देखिए देख रहे हैं ना आप। लेके टोटल नहीं चला पा रहा है भाई साहब जी। अरे पापा आ गए जलेबी खाने। क्या खाएंगे आप? जलेबी। दाढ़ी बना लिए? क्लीन चेट हो गए फ्रेंड, देखिए एकदम मस्त चकाचक। ये आपकी जलेबा, ये आपका दुधुआ, देखिए मेरे हस्बैंड की फ़ोटो, ये मेरी फ़ोटो, ये मेरे हस्बैंड के माल की फ़ोटो। इनकी सिस्टर है फ्रेंड, मैंने मजाक कर दिया। अब मैं चल रही हूँ खाने चम्मच से दूध जलेबी। अब मेरे हब्बी ताकेंगे ललचाएंगे, देखते रहिए साहेब। ये देखो मैं क्या खा रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है ना, पीते रहना चाहिए। एक दिन हम मर जाए फुले ही जुगन रह जाए, तो खा भी फिट रहेगा। क्या हुआ? मलाई लगी चाट ली मूंगफली। बच्चों चले नहा दे आप लोगों को, लोगों नहला दीजिए तो बढ़िया बॉडी लोशन कर दीजिए ना, हाथ पैर जैसे को ठंडा बने। आटा सान के रोटी बना ली, सब्जी का ले लो पहले, रख जा तब जा। छाती के लग रही तावीज बना लो तू। नींबू आ गया मेरा नींबू, फैट कटर मेरा फैट इसी की वजह से बढ़ गया है। 15-20 दिन हो गया मैं नींबू पानी नहीं पी पा रही। मटर लाए तो पट्टा उठा के लाए जी। अरे यही मटर 40 रुपए किलो है। मटर भंटा वंटा ना ले लेंगे, खाली भंटा ले लेंगे। भंटा ले ला है मैडम, तुम्हारे भंटा की जरूरत है। हाँ अब क्या करवा, तो हर काम है ना करो तो भंटा भी सही। ज्यादा ना बोलने लगे मर्चा। अच्छा सब्जियाँ साफ कर लीजिए तब नहलाइएगा, उन्होंने तब तक उन्हें गर्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, प्याज आ गई। प्याज ये देखिए, चलिए ए बाल को भाई मटर वटर छील के क्लीन कर दो थोड़ा। मटर छीले के बेटा, अच्छा थोड़ा मटर छिलवा दो।
मेरे बच्चे अब सब्जी फटाफट साफ करवाएंगे। आप टोकरी उठाइए वाली साहब। छाती के लागे रही, प्याज गिर गया। लहसुन कैसे किलो है? लहसुन हम पूछबे नहीं कर दी। हाँ बहुत महंगा है ना, तू काहे पूछबे करवा। हमें पता ना है तोहर बुद्धि है। वो चीज महंगा गया, वो चीज मेरे घर में आना बंद हो जाता है थोड़े से। क्या करे, गरीबी है। किसी दिन हम भी अमीर बनेंगे। लेमन है, लेमन भंटा है। भंटा भंटा जी की जय हो। चोखा बना दी। चोखा बनाएंगे ठीक। दाल बनवनी, भात बनवनी, भुजिया अचार, चोखा खातिर रूसल बाड़न पिया जी हो। कॉपीराइट इसीलिए मेरी वीडियो में लगा है। हमने कहा बदतमीजी किया है, हम हाथ चला गया है ऐसे, उल्टा हाथ मार देंगे बस। सारा हाथ सही जगह भाग गया ऐसे। निकल लौड़ी देखिए, आटा तो सना गया। अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, फिर उसके बाद आलू बॉईल करती हूँ, भंटा, फिर बनाऊंगी चोखा। किधर गया लाइटर, कहाँ है जी लाइटर? वो हो इधर है, इधर है। दाल बनेगी, भात बनेगी, भाजी अचार हो, चोखा खातिर रूसल बाड़न पिया जी हमार हो, चोखा अरे यार 1 तारीख है ना साहब, आज जाए क्या? पापा क्या उनकी मम्मी चल रही है? आपको ध्यान नहीं था? बड़ा काम लोड है सारा। 4 तारीख को तारीख है सारा। क्या अभी बोलो ना पहले पापा। जाया 3 बजे से है ना, 3 बजे जाया, 4-5 बजे पहुंचा, 4 बजे ले खा के बस तुरंत चले आया। मतलब अगर ये ना आ पाया तो रुक जाए, हम भी निकल आ जाए। मैं तो चल, मैं तो चल गई हूँ। मैं रात को आप रोटी बनाए थे पता कैसी लग रही थी? जैसे होटल ढाबे वाली रोटी लग रही थी, एकदम चुरचुरी, बहुत अच्छी लग रही थी ना? हाँ जी पापा, अगर एक ढाबा खोल दिया रहे तब कम खोलन का लोन जाए। अरे ये तो रोज वाला काम है ना, पैसा रोज आएगा सताने को ढाबा खोल के ना। ढाबा पैसा खर्चा परवेश है ना, तुम सेटिंग नहीं बना रहे, एक तो रूम ले देते ना। समस्या है वो है कि जाने वाला उसके घर के मामला है ना, नहीं तो वो हैंडल हो जाता यार। नहीं हो पाता यार, इंसान तो पैसा मिलने लगता तो खुद ही सोचता कि चला आज एक दिन बाद दूध बाद जाए। ढाबा खुद है, हम लोग मौसी बेटा चला लेते एकदम मजे से जी। भाई रोटियां कहाँ रखा साहब? दाल बनवनी, भात बनवनी, भुजिया अचार, चोखा
कर ले। पिया जी हमारो ये हमारी कुलई, इसमें हम लगते हैं लूटी। पकड़ कहाँ है यार प्रभु, एक दिन खाना आप लोग बनाते हैं हाँ जी गाय। हमारे टूट टूट के एकदम कट कट हो गया। पता नहीं कि तबीयत खराब है, फिर भी पति काम करवाते हैं। दीवाने तेरे नाम के खड़े हैं दिल थाने। आटा भाई गीला सा गया हो आज। बनवली भक्त बनवली भोजी आचार चौखा खातिर रूसल बिया जी हो। पैसा निकालने चलना है यार, यहीं से उठा लगा निकल देंगे। निकली तो कहाँ, फिर ब्रांच पे जाए कोई काम है। जैसे कि मेरे पतिदेव का ऑर्डर था कि दाल चावल सब्जी, दाल चावल रोटी चोखा खाएंगे, लेकिन सारा मटेरियल चोखा वाला उबल गया है। अब हम इसे बाहर निकालते हैं और बनाते हैं चोखा। घंटा हो गया टमाटर बड़ा खतर। ये टमाटो, अरे ये मैंने एक शकर कंदी उबाली थी खाने के लिए, इसीलिए मौका देख के हमने चौका मार लिया था। इसको हम अलग रख देंगे, इसका चोखा नहीं बनेगा। ये हो घंटा छिलाई होगा। देखिए भंटा का जो छिलका अपने आप निकल गया। रखी कहाँ है, एक कटोरिया में रख देते हैं। देखिए यह है टमाटर, यह है भंटा का चोखा, यह है भंटा का पूरा। हाथ जल गया मेरा हाथ। यह है टमाटर का भी छिलका निकल गया। अगर आग बॉईल होने के बाद सब चीज़ का छिलका निकल जाता है, इंसान का भी छिलका बॉईल होने के बाद निकल जाता है। इनका क्या औकात है, तो भंटा टमाटर हम कच्चू में से काटा का पका दे। देखिए बढ़िया भंटा टमाटर। देखिए फ्रेंड भंटा टमाटर एक में मिक्स कर दिया मैंने। शट अप। देखिए आलू है, बहुत गर्म है, मेरा जल जा रहा है बिल्कुल भी। तैयार हो गए, मुझे फटाफट चोखा बनाना है। क्या करूँ मैं, ये हाथ जला जला के काम करना पड़ रहा है।
आलू छिल गया मेरा। इसका पूरा प्याज और धनिया और मिर्ची मैंने इसमें डाल दिया। ये है नमक, इंग्लिश में साल्ट कहते हैं, हिंदी सब समझते हैं, सिर्फ हिंदी सही। ये है नमक, ज़्यादा नमक पड़ना चाहिए। ये है इसका मेन चीज़ कड़ुआ तेल, जिसके बिना चोखा बिल्कुल बेकार लगेगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ी क्वांटिटी रखते हैं तेल वेल की, मुझे ज़्यादा तेल पसंद नहीं, ऐसे हम बहुत ज़्यादा फैटी ही ना। देखिए चोखा बन रहा है, अभी थोड़ा हाथ हाथ नहीं लगाऊंगी क्योंकि हाथ बहुत जल रहा है मेरा, जो आलू बहुत गर्म है। आप देख भी रहे हैं धुआं धुआं से मेरा। चोखा तो हाथ लगाना ही पड़ेगा, बिना हाथ के चोखा मजा ना भी। देखिए दिखाती हूँ चोखा, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाती हूँ आप लोग को चोखा। चोखा चोखा ना सबके खिलाओ, उतना तो हमारा हाथ गोल भरता बन जाए चाहत। फटाफट चोले निकाल दें तो उसको हो गई टाइम। धनिया थोड़ा था तो उसमें धनिया थोड़ा डाला है, चोखा बहुत यमी होगा मेरे ख्याल से। चिप करके देखो मैं, आपको खाना निकाल दूं? मारेंगे दादा, मैं तोड़ देंगे, नहीं खाओगे तो। बस कह रहे नहीं मैं नहीं खा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड चोखा, दाल चावल चोखा, एक चलना है अपन बच्चों के पास खिलाने। हनी हंस बंटी चलो कम यार, देखिए ना इसमें दाल का पता है ना, चावल का ना, चोखा का, सब एक ही मिक्स है। अब ये जाएगा, ये बन गया खिचड़ी टोटल, इसके मुंह में जाएगा देखते रहना। मुंह लटका के खा लिया लो। ओह गॉड, ये खा लिया मेरे बच्चे तीनों खा रहे हैं। ये वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू और मेरी जरूर।